सुप्रभात बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भारत में राष्ट्रवाद पाठ दो कक्षा दसवीं के इतिहास का भारत और समकालीन विश्व के भारत में राष्ट्रवाद समझा दिया था। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो ये एक नंबर के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पहला प्रश्न है, रिलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो उत्तर है 1919 में। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका उत्तर है 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ। चौथा प्रश्न है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो बगानों में काम करने वाले मजदूरों को इस एक्ट के तहत बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसको इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कहा जाता था। पांचवा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया? तो सन 1922 में चौरा चोरी की घटना ने गांधी जी को बहुत ही विक्षुब्ध किया, जिससे भारतीय क्रांतिकारियों ने चौरा चोरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इससे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों द्वारा शुरू किया गया। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने वाले दो नेताओं का नाम बताइए। पहले नेता हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नेता हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया, ये आप पहले लिख चुके हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। इसमें छपा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की गई? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन से एसोसिएशन को संगठित किया और कब? डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वैद्य शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका उत्तर इसमें नहीं दिया है, आप किताब में से ढूंढ के लिखिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने की। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा लिया गया कोई एक महत्वपूर्ण फैसला बताइए। तो महत्वपूर्ण फैसला इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा सहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था। उसके बाद प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ बताइए। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, वेगार का अर्थ बताइए। बिना किसी पारिश्रमिक या मेहनत नामा के किसी काम को कराना बेगार कहलाता है। मतलब उस काम के बदले उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसे बेगार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के अंतर्गत उन मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था उसे गिरमिटिया कहते थे। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट में किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ?
तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है गांधी जी ने बिहार में चंपारण के किसानों के सहयोग से सत्याग्रह प्रारंभ किया और किसानों को उग्र खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित किया। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया जो फसल ना होने के कारण प्लेग और महामारी के कारण भू राजस्व नहीं दे सके थे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रश्न है गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन से थे और इनकी क्या भूमिका थी। उत्तर है गदर पार्टी के प्रमुख नेता के नाम रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजा महेंद्र प्रताप थे। इस पार्टी के नेताओं ने विदेशों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद प्रश्न है भारतीय नेताओं के 1919 में प्रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध करने का क्या कारण था। इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाए। दूसरा पॉइंट है उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। अंग्रेजी शासन रोलेक्ट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। उसके बाद प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो उत्तर है भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब अंग्रेज थे इसमें। इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज दिए जाने का कोई जिक्र नहीं था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को लाने का क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर है अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को लाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके, यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय प्रशासन में कौन से नए सुधार लाया जा सके, भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है पूना एक्ट पैक्ट क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश निर्णयों के विरुद्ध जेल में रहते हुए अनिश्चितकालीन उपवास रख लिया था जिससे सारा देश में हलचल मच गई थी। उनके प्रिय नेता के प्राण रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मार्ग छोड़ देने का आग्रह किया। इस विषय पर दोनों पक्षों में 25 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना एक्ट कहा गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण थे। चौरा चौरी के घटना से गांधी जी काफ़ी परेशान हो गए थे जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया था कि लोगों को वे अब शांत नहीं रख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो जाएगी जिससे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। ऐसे में उन्होंने 1922 में इस आंदोलन को वापस लेना ही उचित समझा। अगला प्रश्न है खिलाफत और असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं का नाम लिखो। खिलाफत आंदोलन पहला हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे खिलाफत आंदोलन दो अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में शुरू किया क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को पराजित करके उसकी बहुत सी बस्तियों को आपस में बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से बांट लिया था। अंग्रेजों के नेताओं ने इस अली भाइयों का पूर्ण साथ दिया। दूसरा असहयोग आंदोलन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सन 1920 में अंग्रेजी सरकार के अत्याचारपूर्ण व्यवहार, अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्य आंदोलन शुरू किया जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया जाने लगा।
इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं का नाम है मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू आदि। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को युद्ध में एक पार्टी बना दिया, साथ ही साथ भारत के संसाधनों को अपने हित के लिए धड़ल्ले से प्रयोग किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विरोध करने की जज्बा पैदा हुआ। यद्यपि मुस्लिम लीग अंग्रेजी सरकार की पार्टी थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के घटनाओं के कारण इस कांग्रेस के समीप आना पड़ा, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी सहायता मिली। चौथा पॉइंट है, इस महायुद्ध के कारण मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम लीग की अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि महायुद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की चार सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कांग्रेस के तीन गरम दल के नेताओं का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। उसके बाद प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां रखी गई? तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद प्रश्न, लोगों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रवादी नेता किस प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आंदोलनों को गति देने के लिए विभिन्न प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग कर रहे थे। पहला, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो हरा पीला लाल रंग का तैयार किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, यह भी सफ़ेद हरा लाल रंग का तिरंगा था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखा को महत्व दिया गया था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। इसके साथ ही ये अतिरिक्त प्रश्न हैं, कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको अगले वीडियो में बुक के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर बोलूँगी, और आप इस प्रश्न के उत्तर कॉपी में लिख लीजिए। अभी ये पाठ पूरा नहीं हुआ है, इसका प्रश्न उत्तर अभी अगले वीडियो में भेजूंगी मैं।